मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मरुस्थल की रेत हूँ मैं, सियाचिन का आसमान हूँ मैं। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। भारतीय सैनिकों को समर्पित ये पंक्तियाँ वाकई सच का एक कठिन आईना है। ये वो आईना है जिसमें हर कोई नहीं झांक सकता, क्योंकि एक जुनून चाहिए देश की सेवा करने के लिए। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। दूरदर्शन उत्तराखंड की टीम अभी मौजूद है भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में, जहां पर आज मौका है ग्रेजुएशन सेरेमनी का। तो चलिए, आप और हम भी साक्षी बनते हैं इस ऐतिहासिक समारोह का। भारतीय सैन्य अकादमी में आर्मी कैडेट कॉलेज के दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। आर्मी कैडेट कॉलेज के 119वें समारोह में 40 कैडेट्स को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की डिग्री से नवाजा गया। सर्वप्रथम आर्मी कैडेट कोर के कमांडर ब्रिगेडियर शैलेश सती ने अपने संबोधन में स्नातक पाठ्यक्रम के कैडेटों द्वारा दिखाई गई प्रतिबद्धता और समर्पण के बारे में बताया। साथ ही कोविड बाधाओं के चलते उनके उत्कृष्ट संपूर्ण प्रदर्शन की सराहना भी की। I must also compliment all the cadets for understanding the thought process behind the changes and adapting enthusiastically, contributing in smooth implementation. Now, cadets of the passing out course, on your graduation today, we acknowledge your hard work, commitment and dedication. I am certain you all understand our motto of Kartavya Sarvottam, duty is supreme. Understand what it means to lead men living by a moral code, regardless of who is watching. Knowing that our conscience guides us to tread the path of honor and righteousness. I, along with my team, am proud of your achievement and supremely confident that you will carry with pride the resolution to follow the traditions and legacy of selfless service. We shall watch all of you in your journey ahead, shining as beacons of courage, character, intellect and virtue. Army Cadet College ke Pradhanacharya dwara college report pesh karte hue स्नातक पाठ्यक्रम के कैडेट्स द्वारा दिखाए गए उच्च मानकों और सराहनीय शैक्षणिक प्रदर्शन के बारे में बताया। लेडीज एंड जेंटलमैन, द कैडेट्स ऑफ ग्रेजुएटिंग कोर्स डिजर्व आवर एप्रिसिएशन फॉर हैविंग रीच्ड एन इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन देयर करियर। बट माय डियर कैडेट्स, दिस इज जस्ट द बिगनिंग, अ फर्स्ट स्टेप ऑफ योर जर्नी अहेड। इट ओपन्स द गेटवे टू हायर स्टडीज एंड ए प्रॉमिसिंग करियर अहेड। Let me remind you that education is not limited just to classrooms or college. Rather, it is a lifelong pursuit, and graduation is only a formal recognition which makes you competent to acquire further knowledge in the area of your choice. It also enables you to step into main wing of Indian Military Academy for pre-commissioning training. So don't let die the fire of learning within you. भारतीय सैन्य अकादमी के प्रसिद्ध चैडवुड संग्रहालय में ग्रेजुएशन सेरेमनी के दौरान कैडेट्स को डिग्री भी प्रदान की गई। फर्स्ट द अवार्ड ऑफ डिग्रीज फॉर बैचलर ऑफ आर्ट्स इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, कंपनी क्वार्टरमास्टर सर्जेंट निशांत सांगले, प्लेटून कैडेट कैप्टन कुशल राय, कंपनी कैडेट कैप्टन सुशील थापा, प्लेटून कैडेट कैप्टन रजत गढ़वाल। कैडेट गोपी टी, कंपनी सर्जन मेजर कमलप्रीत सिंह, कंपनी कैडेट कैप्टन अमनदीप सिंह, कैडेट पंकज पांडे। प्लेटून कैडेट कैप्टन संदीप, प्लेटून कैडेट कैप्टन गंगा अभिलाष यादव, प्लेटून कैडेट कैप्टन रोहन शर्मा, कैडेट शिव कुमार सिंह।
कैडेट शुभम साधु, कैडेट गगनजोत सिंह, प्लेटून कैडेट कैप्टन रणसिंह रोचुई, प्लेटून कैडेट कैप्टन थंगा मुनिया डीवी। कैडेट विकास, कैडेट शिवम प्रधान, कैडेट नंद कुमार डी पाटिल, कैडेट उपेंद्र सिंह। प्लेटून कैडेट कैप्टन राहुल चौधरी, कैडेट मनजिंदर सिंह, कैडेट अंकित कुमार, प्लेटून कैडेट कैप्टन सोमेन चंद। Now the award of degrees for Bachelor of Science in Order of Merit. Company Quartermaster Sergeant Sachidanand Tiwari, Company Sergeant Major Harsh Kumar, Company Cadet Captain Santosh B, Wing Cadet Quartermaster Santosh Sai. Wing Cadet Adjutant Harpreet Singh, Wing Cadet Captain Abhinash Sharma, Company Quartermaster Sergeant Pankaj Negi, Cadet Vaibhav Kumar. प्लेटून कैडेट कैप्टन चेतन, कंपनी सार्जेंट मेजर रोहित बुहारे, कैडेट विशाल यादव, प्लेटून कैडेट कैप्टन सुनील कुमार। कैडेट प्रिंस बत्रा, प्लेटून कैडेट कैप्टन बिट्टू सिंह, कैडेट अजय कुमार यादव, कैडेट विकास रावत। इस समारोह के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को मेडल भी प्रदान किए गए, जिनमें अर्श कुमार को स्वर्ण पदक, अविनाश शर्मा को रजत पदक, हरप्रीत सिंह को कांस्य पदक से नवाजा गया। साथ ही ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में निशान सांगले द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त किया गया। साइंस स्ट्रीम में सचिदानंद तिवारी द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त किया गया। सेवा विषयों में प्रथम स्थान हरप्रीत सिंह द्वारा प्राप्त किया गया। Now for the awards of medal and the prestigious Commandant's banner. Starting with the Chief of Army Staff medals. The Chief of Army Staff medals are given to the cadets standing first, second and third in the overall order of merit. The medals are gold, silver and bronze.
Commandant Silver Medal is awarded to the cadet standing first in service training, humanities stream, and science stream. First up, Gold Medal is awarded to Company Sergeant Major Harsh Kumar. Chief of Army Staff Silver Medal goes to Wing Cadet Captain Avinash Sharma. Chief of Army Staff Bronze Medal goes to Wing Cadet Adjutant Harpreet Singh. Commandant Silver Medal for Best in Service Training goes to Wing Cadet Adjutant Harpreet Singh. Commandant Silver Medal for Cadet Standing First in Humanities goes to Wing Cadet Quartermaster Nishant Sangle. Commandant Silver Medal for the Cadet Standing First in Science Stream goes to Company Quartermaster Sergeant Sachidanand Tiwari. इस अवसर पर कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने कमांडेंट बैनर से आर्मी कैडेट कॉलेज की चैंपियन कारगिल कंपनी को भी सम्मानित किया। यह बैनर उस कंपनी को प्रदान किया जाता है जो खेल, शिक्षा, शिविर, वाद विवाद, आंतरिक अर्थव्यवस्था जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करती है। समारोह की अध्यक्षता भारतीय सैन्य अकादमी के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने की। लेट मी कंग्रेचुलेट द पासिंग ऑफ कैडेट्स फॉर हैविंग क्रॉस्ड दिस इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन देयर प्रोफेशनल करियर। यू आर वर्दी ऑफ दिस रिकॉग्निशन आफ्टर कंप्लीटिंग 3 years ऑफ रिगरस ट्रेनिंग एट द आर्मी कैडेट कॉलेज। द पर्पस ऑफ दिस 3 year एकेडमिक ग्रेजुएट कोर्स you all have successfully completed is to establish intellectual foundation needed to develop the knowledge and skill sets necessary for growth as an officer in the Indian Armed Forces. I therefore applaud you all on becoming the proud graduates of the prestigious Jawaharlal Nehru University. This training at the Army Cadet College shall hold you in good stead as you execute your military missions and will be the very foundation upon which the rest of your military career will be built. Remember that leadership and learning are indispensable to each other, and I'm certain that you all will demonstrate the ability and desire to continue learning throughout your service. Cadets of the passing out course, on this occasion, I would like to draw your attention to certain important aspects of military way of life. First is the primacy of the nation and the army. All of you have pledged your life to selfless service of a nation. It is therefore incumbent upon you to serve with honor, dignity and commitment. The motto of ACC Wing, duty is supreme, shall be your guiding principle in honoring this commitment. Second important principle is leadership by example. Your superiors, and more importantly, your subordinates, will judge you through your personal conduct. Leadership stems from demonstrated commitment, honesty of purpose, professional competence, and willingness to walk the talk. The third important aspect is courage, which includes both aspects of physical valor as well as courage of conviction. You must develop the wisdom to clearly differentiate between the right and wrong, and imbibe the strength of character to choose the harder right, come what may.
And the last aspect that will serve you well in your challenging and adventurous journey is a positive attitude, which will lead you to invent, innovate and institute norms of leadership to achieve the much-needed organizational goals. अपने भविष्य को लेकर हम बहुत सारे सपने देखते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन बहुत कम ऐसे युवा हैं जो अपने जीवन को देश की सेवा में समर्पित करना चाहते हैं। तो हमारे साथ कुछ जेंटलमैन कैडेट्स हैं जिन्हें आज डिग्रियां तो मिली ही, साथ ही उन्हें कुछ मेडल से भी नवाजा गया है। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कितना फख्र महसूस हो रहा है आज। इट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड माई पेरेंट्स टू अवार्डेड विद दिस मेडल। And the training here in ACC Wing, the various aspects include the physical training, then sports and academics, and then forward to our leadership and the personality development, which equip us with lots of confidence, knowledge and skills. And after inheriting those in within ourselves, we are all set now to go for 1 year of pre-commissioning training in the Indian Military Academy. And we are also sure that we'll continue this throughout our service. डिग्री तो सभी को मिली है लेकिन साथ ही मेडल भी आज मुझे मिला है, कितना फख्र महसूस हो रहा है और कैसा कितना संघर्षपूर्ण रहा यहाँ आर्मी में आने तक का सफ़र। यस, इट इज़ अ मैटर ऑफ इंडीड प्राइड फॉर मी, माय फैमिली, माय इंस्ट्रक्टर्स, माय कोचमेट्स दैट आई एम बीइंग अवार्डेड विद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सिल्वर मेडल, एज इट इज़ मोर ए रिफ्लेक्शन ऑफ द इन्वॉल्वमेंट एंड देयर डेडिकेशन इन माई ट्रेनिंग एंड I am proud of my achievement and I would like to continue it to uphold the name and prestige of Army Cadet College. अभी हमारे साथ कुछ और जेंटलमैन कैडेट्स हैं, आइए उनसे जानते हैं कि अभी तक का जो सफर है कितना संघर्षपूर्ण रहा है और आगे देश के लिए क्या कुछ करना हो चाहेंगे। देश के लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ACC विंग में जो ट्रेनिंग है ये दो तरह की है, फिजिकल एज वेल एज मेंटल, सो वी आर रोबस्ट इन बोथ द थिंग्स, physical as well as mental. So it will help me in my future because the army needs these only two things from a officer. अभी तो एक सफ़र ख़त्म हुआ है, एक सफ़र अभी दोबारा से शुरू होने वाला है, तो कितना कुछ जोश है आपके अंदर और अगर मैं अभी तक का सफ़र की अगर बात करूँ तो किसको अपना इंस्पिरेशन मानते हो आप अपनी लाइफ का? बात करते हैं अगर इंस्पिरेशन की तो मेरे DS बॉडीज़, मेरे CGOs, इवन दो मेरे कोर्समेट का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत सारा है और आई जस्ट वॉन्ट टू कन्वे वन मैसेज टू माई जूनियर्स दैट स्टे फोकस्ड, पुट इन योर 100% इन योर ट्रेनिंग एंड वॉट एवर DS बॉडीज एंड CGOs आर टीचिंग टू यू, इट्स जस्ट मोर देन एनफ एंड स्टे मोटिवेटेड एंड यू विल डू सर्टनली वेल इन द फ्यूचर एंड आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट इन इंडियन मिलिट्री अकेडमी व्हेन आई लैंड अप देयर। भारतीय सैन्य अकादमी में कमांडेंट बैनर मिलना भी एक गौरव से कम नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं उस जेंटलमैन कैडेट से जिसने अपने हाथ में कमांडेंट बैनर रखा हुआ है, तो चलिए उनसे जानते हैं कितना फख्र महसूस कर रहे हैं आज। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने जूनियर्स को ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ चीज़ें रुकती नहीं हैं, जैसा कि हमारे कंपनी कमांडर मेजर रोहित शुक्ला कहते हैं कि कारगिल का रंग लाल है और हमेशा लाल ही रहेगा, तो वो मेहनत, वो डेडिकेशन और वो जुनून हमेशा रखना और हमेशा इसी तरह काम करते रहेंगे तो हमें ज़रूर ऐसे ही रिजल्ट मिलेंगे। उन युवाओं को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे जो अभी आपको देख रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि हम भी भारतीय सेना का एक हिस्सा बने? दो पंक्तियाँ कहना चाहूँगा, उठ बांध कमर क्या डरता है फिर देख खुदा क्या करता है। दिस वॉज इम्पार्टेड इन मी बाय माई कंपनी कमांडर मेजर नितेश पुनिया। आई एम अ CQMS बोगरा कंपनी हु हैज़ बीन अवार्डेड विद अ कमांडेंट सिल्वर मेडल इन अकेडमिक्स। ये एक मेडल नहीं, एक चेतना है, एक प्रोत्साहन है मेरे लिए जो मैं अपने जूनियर्स में इम्पार्ट करना चाहूँगा। एंड व्हेन आई विल लैंड इन द IMA आई विल एक्सप्लोर माई सेल्फ अलॉट एंड आई प्रॉमिस टू माई सीनियर्स, एज आई सेड द सीनियर्स लेफ्टिनेंट अनमोल गुरु हु वाज गॉट द सॉर्ड ऑफ ऑनर लास्ट ईयर। दिस ऑल आर द इंस्पिरेशंस विच वी गेट फ्रॉम आवर प्रेसिडेंसेस एंड आवर सीनियर्स। सो फॉर आवर यंग जनरेशन जस्ट डू हार्ड, work smart and work intellectually, you will achieve your success one day. तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय सैन्य अकादमी की जनसंपर्क अधिकारी, तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं आज के कार्यक्रम के बारे में। देखिए, आज जैसा आप सबने सबको विदित है कि आज ग्रेजुएशन सेरेमनी हुई है हमारे आर्मी कैडेट कॉलेज विंग के कैडेट्स की। तकरीबन 40 कैडेट जो हैं हमारे ग्रेजुएट होकर 3 साल की डिग्री के बाद अब IMA में लैंड करेंगे
एंड आईएमए में बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे और देश को नए नौजवान नेता मिलेंगे। तो ये है हमारे देश के भावी कर्णधार जो न सिर्फ दुश्मनों से लड़ते हैं बल्कि देश पर आने वाली हर कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं। सच ही तो कहा है, हिम्मत वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता, हम कदम वहाँ रखते हैं जहाँ कोई रास्ता नहीं होता। इन जेंटलमैन कैडेट्स के जीवन का मानो एक ही लक्ष्य रह गया है कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। आज के ग्रेजुएशन सेरेमनी में जहाँ जेंटलमैन कैडेट्स को डिग्रियाँ बांटी गई तो वहीं अपने बेहतर प्रदर्शन के लिए कई जेंटलमैन कैडेट्स को सम्मानित भी किया गया। उम्मीद करते हैं आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए दूरदर्शन उत्तराखंड की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।